हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार और आज फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, जो लोग मेरे चैनल को इतने लाइक और शेयर करते हैं। आज एक और बेहतरीन कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया कि सर मुझे बोलने में डर लगता है या मैं बोल नहीं पाता हूं। तो मैं आपको एक बहुत ही स्टोरी के जरिए आपको बताना चाहूँगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में हम लोगों को इन्वाइट करने में डरते हैं या कतराते हैं। पहला तो आपको मैंने पहला वीडियो में एक बात बताया था कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर है या आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पर कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर एक माइंडसेट क्लियर होगा। दूसरी बात कि ये बिजनेस ही है लोगों को बोलने का, ये बिजनेस ही है लोगों को एम्पावर करने का। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो चाहे आपके अंदर कितनी भी टैलेंट है, मैं देखा हूँ इस जर्नी के अंदर में, मैं ग्रुप के अंदर में बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को जीरो रुपया कमाते हुए देखा है, और मैं बहुत सारे लोगों को जो कि कोई टैलेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है, और आज वो लाखों रुपया कमा रहा है। सो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है कि कौन आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सफल होगा और कौन आदमी विफल होगा। क्या टैलेंटेड लोग ही सफल करेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और क्या जिसमें टैलेंट नहीं है क्या वो सफल नहीं हो सकते हैं? ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो आज एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि एक बार की बात है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे। जब बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे तो एक जब मार्केट क्रॉस कर रहा था, तभी देखा कि एक मार्केट के अंदर में रंग बिरंग के चिड़ियां बिक रहा था। पिंजड़े के अंदर में कई सारे पक्षी, जैसे आप जानते हैं पैरोट वगैरह, जो घर के अंदर में लोग पालते हैं। तो एक उनमें से एक चिड़िया था, बहुत बेहतरीन लुकिंग चिड़िया की थी और कई प्रकार के आवाज में वो गाना भी गाती थी। तो उस बिजनेसमैन को वो चिड़िया बहुत पसंद आया और उनको लगा कि काश मैं अगर ये चिड़िया अपने मिसेस को गिफ्ट करूं तो बहुत खुशी होगी उनको और अच्छा लगेगा। तो वो बिजनेसमैन ने क्या किया, वो चिड़िया पसंद किया और उसके बाद उस चिड़िया को वहीं पर बिलिंग करा के अपने घर का एड्रेस दिया और वहां पे शॉपकीपर को बोला कि आप मेरे घर पे ये डिलीवर करा देना। तो बिलिंग कराने के बाद शॉपकीपर ने उसको घर पे डिलीवर करा दिया वो, और उनके घर पे वो चिड़िया पहुंच गया और बिजनेसमैन अपने बिजनेस ट्रिप पे चले गए, कहीं के प्रोग्राम था। 4-5 दिन बाद जब वापिस वो प्रोग्राम से घर आते हैं तो अपने मिसेज को पूछता है कि कैसा लगा तुमको वो गिफ्ट। बोला कौन सा गिफ्ट, आपने कौन सा गिफ्ट दिया? बोला अरे वही गिफ्ट जो चिड़िया तुमको डिलीवर नहीं किया अभी तक। बोला एक चिड़िया तो आया था, बट वो कौन सा गिफ्ट है? बोला वो चिड़िया बहुत सुंदर गाती है, इतना सुंदर गाती है कि मन मोहक जाएगा, मन बहुत ही शानदार हो जाएगा, कई भाषाओं में गाती है और बहुत सुंदर सुंदर गाना गाती है। कहाँ है वो चिड़िया, मुझे अभी उनका गाना सुनना है। तो उसकी मिसेस बोलती है वो तो तंदूर में है। बोला तंदूर मतलब? बोला मतलब कि वो जो चिड़िया आपने दिया था उसकी तो मैंने तंदूर बना दिया। बोला अरे वो चिड़िया गाना गाती थी। बोली अगर वो गाना गाती थी तो उसको गाना गा के सुनाना भी चाहिए था ना, वो गाना गाती थी ये बात मुझे मालूम कैसे चलेगा? क्योंकि मैं तो उसको 3 दिन तक जब पिंजड़े में देखा तो वो किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटीज नहीं किया, शांत बैठा पड़ा था। तो मुझे लगा कि आप 3-4 दिन बाद बिजनेस ट्रिप से आ रहे हैं, कुछ बेहतरीन खाने के लिए कुछ बेस्ट चीजें बना दे, हमको लगा कि आपने चिड़िया भेजा होगा, मैंने उसको पका के तंदूर बना दिया। अब आप सोच सकते हो दोस्तों कि वो चिड़िया के अंदर बहुत टैलेंटेड था, बहुत टैलेंट था चिड़िया में, बहुत अच्छा गाना गाती थी, लोगों को सुन के बहुत मजा आता था, लेकिन वो नहीं गाया, इस वजह से वो चिड़िया तंदूर में चला गया, मारे गए। ठीक उसी प्रकार से इस बिजनेस के अंदर में आपके पास अपार नॉलेज है, बहुत संभावनाएं हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक चीज आप गलती करते हैं, आप लोगों को अगर इनवाइट नहीं करेंगे, आप लोगों को संदेश नहीं देंगे, आप लोगों को अपने बिजनेस के बारे में अगर बोलेंगे नहीं तो वही होने वाली है जो अधिकांश लोगों का होता है, जिस तरीके से वो चिड़िया का हुआ कि आप आए तो हैं लेकिन फिर वही तंदूर बन जाएंगे। दैट मीन्स कि आप एक महान लीडर नहीं बन सकते, आप विशेष रूप से उभर कर सामने नहीं आ सकते, एक नॉर्मल एसोसिएट बन के खत्म हो जाएंगे। एक लीडर्स बनने के लिए जरूरत होती है बोलना। आप जो काम कर रहे हैं इसको कितनी प्राउड से आप लोगों तक मैसेज दे रहे हैं, अगर वो चिड़िया उस मैडम को गाना गा के सुनाती तो शायद चिड़िया महान बन जाता और भी नाम फेम होता। लेकिन दोस्तों
वो चिड़िया ने गाना नहीं सुनाया इसीलिए मारे गए, तंदूर में चले गए। ठीक उसी प्रकार से जो एसोसिएट इस बिजनेस के अंदर में आते हैं, अगर वो इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताएंगे नहीं, वो बिजनेस के बारे में लोगों को समझवाएंगे नहीं और वो खुद इस बिजनेस की गाथा गाएंगे नहीं, तो लोग उनको तंदूर में डाल देगा। दैट मीन्स कि लोग उनके साथ आएंगे नहीं और खुद बखुद वो बिजनेस से एग्जिट कर जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, बोलिए आप जिस काम को कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल पावरफुल है और दोस्त अब तो सरकार भी रूल बना दिया, इसलिए डरिए नहीं, बेधड़क लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, इम्पावर कीजिए। कुछ को हम करते हैं, कुछ को आप कीजिए, मिलके आगे बढ़ते हैं। सो आपको मेरा ये वीडियो और ये कहानी कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, नमस्कार।